आज फिर नया दिन, नई शुरुआत। इस बार जा रहा हूँ मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। तेरा मुझसे है पहले कटा था कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तो अभी हूँ मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे। कुआलालंपुर एयरपोर्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने ट्रिप बनाया अपना, एक बजट ट्रिप की, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे इजीली आप घूम सकते हो अपने बजट में। जितना खर्चा आपका इंडिया में आता है घूमने में, उससे भी कम खर्चे में आप दो से तीन कंट्री एक साथ घूम सकते हो अपने। तो अभी हूँ कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर। आज है 8 तारीख और समय हो रहा है, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर टाइम देखूँ तो मैं 6 बज रहे हैं, और यहाँ के अगर अकॉर्डिंग टाइम देखता हूँ तो यहाँ 7:50 हो रहे हैं। कल थी 7 तारीख, 7 तारीख को जयपुर चला था मैं, और अभी कुआलालंपुर पहुँचा हूँ। कुआलालंपुर से 4 घंटे हॉल्ट है। कुआलालंपुर से जाऊँगा मैं फिर बाली में 6 दिन का स्टे है मेरा। फिर बाली से जाऊँगा सिंगापुर में 2 दिन का स्टे है। सिंगापुर से फिर वापस कुआलालंपुर वापस आऊँगा, कुआलालंपुर से वापस जयपुर आऊँगा। तो इस तरह से 3 कंट्री एक साथ विजिट कर रहा हूँ मैं। और जयपुर से बाली की फ़्लाइट कितनी की आई मेरे, वो कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा कितने की है, और मेरी आगे की कॉस्ट कितने की पड़ी, कितना चीप कॉस्ट में मैंने परचेज की है। पर एक्चुअली मैंने 5 दिन पहले परचेज की थी, थोड़ी सी मुझे कॉस्टली पड़ी फ्लाइट की टिकट। जयपुर से जो बाली की टिकट मैंने कराई वो मेरी 11,000 की टिकट है, पर थोड़ी सी महंगी हो सकती है। ये टिकट आराम से 7,000 से 8,000 में हो सकती थी, पर मैंने अर्जेंट में करवाई थी, तो मुझे 4-5 दिन पहले ही मैंने टिकट करवाई है, क्योंकि मैं वीज़ा पर डिपेंड था। मेरा वीज़ा मलेशिया सिंगापुर के वीज़ा मैंने लगा रखा था, तो उस पर डिपेंड था मैं, और डेट कोई फिक्स नहीं थी मेरी जाने की। तो जैसे ही मेरा वीज़ा आया मैंने टिकट अपनी बुक करवा ली। तो वीज़ा कैसे बना, कैसे प्रोसेस हुआ सारा, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊँ कैसे 1x1 कंट्री का। जैसे एक कंट्री का वीज़ा, जैसे बाली का वीज़ा का प्रोसेस क्या है, सिंगापुर वीज़ा क्या है, मलेशिया का वीज़ा का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं बाली के लिए, तो यहाँ 2-3 घंटे और होल्ड है मेरा, देखते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। एयरपोर्ट पे घूम रहा था ऐसे ही, तो यहाँ मिले मुझे समीर भाई बांग्लादेश से। समीर भाई भी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और बाली जा रहे हैं। शामीम आज ढाका से हैं। गुड लक शोसिन, गुड लक फॉर इंडिया। बहुत अच्छे इंसान है, बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरा, और देखते कहाँ तक करनी रहती साथ में। और यहाँ से फिर इमिग्रेशन के लिए पता चाहूँगा, इमिग्रेशन का कुछ नहीं ऐसा था, उन्होंने सिर्फ इतना सा पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो, और कितने दिन के लिए किस किस जगह पे स्टे करोगे, होटल बुकिंग आपकी और आपके वीज़ा, बस इतना सा सिंपल से चेक किया। उसके बाद मैंने डिपार्चर का स्टाम्प लगा दिया इंडिया से। इसके लिए मैंने विंडो मलेशिया.com से अप्लाई किया था, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो मुझे कम से कम 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। कुछ फीस थी करीब 2950 रुपये मल्टीपल एंट्री की, और सिंगल एंट्री अगर लेते हो तो 1500-1600 रुपये समथिंग है सिंगल एंट्री की फ़ीस। सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री में ये फ़र्क होता है, आप थाईलैंड से मलेशिया आते हो, या सिंगापुर से मलेशिया, या ब्रुनेई से मलेशिया, या इंडिया से मलेशिया आते हो, तो वो सिंगल ही एंट्री मान्य है। अगर आप किसी बाली से आ रहे हो मलेशिया तो वो मान्य नहीं होगा सही एंट्री, उसके लिए आपको मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एंट्री के लिए आप कितनी बार कितनी बार जाओ 3 महीने के अंदर अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री है, आराम से यूज़ करो, 1 महीने का कुछ टाइम होता है करीब, 1 महीने तो यूज़ करो। और बुकिंग के लिए आप booking.com यूज़ कर दो, उस पर काफ़ी सारे हॉस्टल्स होते हैं जो चीप रेट में मिलते हैं, 300-400, और पेमेंट जो होता है उनका पे एट द प्रॉपर्टी होता है, कि प्रॉपर्टी में जाके आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिना क्रेडिट कार्ड के भी आप होटल बुक कर सकते हो। और चीप से चीप हॉस्टल सबसे बेटर है, हॉस्टल में आप काफ़ी नए नए लोगों से मिलोगे, अलग अलग कंट्री के लोग जो होते हैं वहाँ पे, हम सोलो ट्रैवल करते हैं या ग्रुप में करते हैं, उन सबसे मिल सकते हो आप, तो वहाँ कल्चर वल्चर सब जाने को मिलता है। दूसरे अगर से होटल में जाओगे तो वहाँ बोर हो जाओगे अकेले बैठे बैठे होटल में, तो इसलिए हॉस्टल बेस्ट है।
जस्ट पहुँचे अभी बाली, ढाई घंटे की फ्लाइट थी करीब, और जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन पे क्या सवाल पूछते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्लियर हुआ है अभी, और इमिग्रेशन में सवाल पूछे गए कि आप कितने दिन के लिए आए हो। मैंने बोला 8 दिन, और फिर उन्होंने कहा कि 8 दिन, 8 दिन में अच्छा। फिर बोला कहाँ इसके बाद, फिर बोला सिंगापुर जा रहे हो, बोला तो मैं बोला हाँ सिंगापुर जा रहा हूँ। सिंगापुर अच्छा, बोला कहाँ से आए हो, बोला इंडिया से। ठीक है इंडिया। फिर बोर्डिंग पास दिखा दिया कि मैं कुआलालंपुर से फ्लाइट ट्राई किया है, बस ये दिखा दिया, और नाम पूछा लास्ट में, बस ठीक है। फिर वीज़ा मिल गया, सिंपल से था, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और एक महीने का वीज़ा मिला है सिंगल एंट्री का, और फिर ये सबसे बड़ी बात इमिग्रेशन का, इसको फिल करके इसका नाम पासपोर्ट नंबर भरना है, और मैंने देखा कुछ पूछेंगे पर ऐसा कुछ पूछा नहीं, बस नाम नंबर और अपना जहाँ रुक रहे हो उस होटल का नाम, जहाँ रुक रहे हो उस होटल का नाम, और कितने दिन के लिए रुक रहे हो, क्या कितने और कितने बैगेज है, क्या किलो मतलब किलो में है, क्या कितने साइज़ में बैग है, और फ्लाइट नंबर, बस इतना सा था। बस साइन डेट, बस फॉर्म लिया, एक्सेप्ट किया, और थैंक यू, यू कैन गो। यहाँ से हॉस्टल, फिर वहाँ से रेडी होके फिर देखते सामने कहाँ निकलना है।